कैसे हो गाइस। वीडियो देखने से पहले ये वीडियो देखो। इसमें क्या है कि कई बार बोलते हैं कि आप जो पोजीशन होती है उसको चलते नहीं दिखाते, मतलब प्रॉफिट है ऊपर नीचे होता नहीं दिखाते। उनका कहने का मतलब क्या होता है कि आप फेक दिखाते हो। तो इसीलिए आज ये वीडियो देखो, आपके लिए मैंने स्पेशल कैप्चर की है जो भाई ऐसा बोलते हैं। ये वीडियो देखो, आगे ट्रेड की वीडियो देखो। थैंक यू। कैसे हो गाइस, आज वीडियो बना रहा हूँ, संडे के लिए बना कर गया था कि आप किन स्टॉक में सेलेक्ट कर रहे हैं। तो दो तीन दिन के लिए दिल्ली गया हुआ था, कहीं और भी गया था, थोड़ा काम था। कल सुबह वापस आ गया था, टायर्ड था, सो गया, नहीं ट्रेड कर पाया। आज किया है किसमें किया है, ऑप्शन बाइंग में। और क्यों किया है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है, तो कम पैसा लगाकर बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो मैंने लाइव होके दिखाया भी था इंस्टाग्राम पर। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो पंजाबी ट्रेडर सर्च मार कर मेरे से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आज का प्रॉफिट कितना हुआ है, आज का प्रॉफिट हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 63,185। देखो होल्डिंग में कुछ नहीं है, पोजीशन में 63,000 मेरी आइडिया, आप देख सकते हैं नीचे। तो टाइम क्या हुआ है, 10:17। तो आज लेट हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि ट्रेड करते करते बाहर चला गया था। स्क्रीन पे आते हैं, क्यों ट्रेड बाय किया, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, सभी बातें आपसे क्लियर करते हैं। तो गाइस, पहली ट्रेड मैंने कहाँ पे ली थी, जब मार्केट ओपन हुआ, तो ओपन होते सार बीरश हो गया, तो मैंने लेवल निकाले हुए थे। तो दोबारा रिटेस्ट करने गया, यहाँ पे इसने रेड कैंडल मेड की, कौन सी बीरश, तो यहाँ पे मैंने पीई बाय किया। टारगेट मेरा ये लेवल था, ये पॉइंट टारगेट हिट हुआ तो मैं निकल गया। इसमें कौन सा मैंने पीई बाय किया था, 37,100 का पीई बाय किया था, इसमें 13,000 प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने ट्रेड कहाँ लिया, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया इस कैंडल पे। इस कैंडल पे लेने का रीज़न क्या था, पहले आपको फर्स्ट रीज़न बताता हूँ कि ये सपोर्ट से फिर वहाँ से रीटेस्ट होकर ऊपर गया था, फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न था, अगर हम 3 मिनट के चार्ट पे आए तो आपको पता होगा ये कौन सा पैटर्न और कौन से पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ। इस कैंडल पे मैंने एंटर लिया, कौन सा पैटर्न है, ये है कप एंड हैंडल पैटर्न, इस पे मैंने एंटर हुआ, टारगेटेड हुआ, निकल गया। और इसमें मैंने पहले कौन सा एंट्री सोच रखा था, पहले मैं ये एंट्री सोच रहा था, लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर। इसमें एंटर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, ये देखो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ इसका, राइट शोल्डर का अगर ब्रेकआउट होता तो तभी मैं एंटर लेता, लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं किया, दोबारा वापस आके सपोर्ट से ऊपर गया, तो कौन सा पैटर्न बन गया, कप एंड हैंडल। उसके बाद मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे, वो मेरा स्टॉप लॉस खा गई तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर जब रीटेस्ट करके दोबारा से ऊपर गया, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, टारगेट हिट गया, निकल गया। फिर जो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कौन सी है वो, 37,200 फुट, कहाँ पे हुआ, ये मेरे लेवल निकाले हुए थे, ये देख सकते, जब लेवल से ऊपर चला गया मार्केट तो यहाँ से इसने रिजेक्शन पॉइंट बनाया, ये छोटी सी रेड कैंडल बनाई, तो इस पे मैंने 200 का पुट बाय कर लिया, ये देखते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। और टारगेट क्या था इसमें, इसमें टारगेट था सिंपल सा ये वाला, टारगेट टूट गया, मैं निकल गया और ट्रेड। उसके बाद मैंने एक आधा और ट्रेड लिया था जिसमें 2-3 हज़ार का प्रॉफिट था। तो
हमें क्या करना चाहिए, हमें माइंड सेट करना चाहिए कि हमें कब ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड लेना है। ये देखो, अगर मैं टारगेट पे नहीं निकलता तो फिर से ऊपर जाके इसने स्टॉप लॉस हिट कर देना था, तो हमें माइनस में हो जाना था। क्योंकि क्या होता है, मंथली एक्सपायरी के दिन बहुत जल्दी प्रीमियम डाउन होता है, मतलब कम हो जाता है। आपने 100 में खरीदा है तो अगर वहाँ पे 10-15 मिनट लास्ट के टाइम में रुक गए तो आपको 18 80 या 75 का रह जाए, उसके बाद फिर बेरिश होगा मार्केट। लेकिन हमारा टारगेट हिट हो गया था तो हम वहाँ से निकले, तो आज का प्रॉफिट था 63,185। तो मैं आपको क्या, इसमें आपको क्या सीखने में मिला, इसमें सीखने के लिए मिला कि कैसे लॉजिक से ट्रेड लेना है। ये मैंने पहले ही सोच के रखा था। क्या सोच के रखा था, अगर लेफ्ट शोल्डर हेड ये ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, लेकिन उसने नहीं बना, नहीं ब्रेकआउट दिया, तो फिर क्या पैटर्न बना, कप एंड होल्डर, ब्रेकआउट हुआ, मैंने एंट्री लिया, टारगेट हिट हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।